बैक टू देवघर और देवघर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे रोड जैम ब्लॉग्स। तो गाइस आज मैं देवघर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं कि आपने कल देखा कि मैंने हनवारा से देवघर आया था। गाइस अभी भी थोड़ा तबीयत सही नहीं हुआ है तो अब मैं जा रहा हूं देवघर बाबा के पूजा करने के लिए। जय भोलेनाथ। तो भगवान शिव का पूजा करूँगा, पूजा करने के बाद फिर बासुकीनाथ जाऊँगा, बासुकीनाथ से पूजा करने के बाद निकलूँगा फिर आऊँगा घर। तो उस तक कल निकलूँगा परसों को जमशेदपुर के लिए। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही बहुत अच्छे होंगे, मैं अभी बहुत अच्छा हूँ। तो स्वास्थ्य हो खाली स्वास्थ्य अभी सर्दी हो चुका है गाइस। तो हो क्या ना अलग अलग जगह का पानी पी रहा हूँ तो सर्दी तो असंभव असंभव है, हो गई सर्दी फिलहाल। अभी तो जा रहा हूँ भाई आगे के जा रहा है यहाँ बाबा धाम बाबा मंदिर 2 किलोमीटर। जय भोलेनाथ जय भोले। तो गाइस हम लोग बाबा नगरिया इन कर चुके हैं, तो देख सकते हैं ये है भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर देख सकते हैं। वही तो देख रहे हैं देखते उधर लगाने का होगा जगह। क्या रहा गाड़ी में ऐसा कैमरा पकड़ना। हम लोग संकल्प करवाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं, निकलने के बाद हम लोग लाइन लगते हैं तो फूल और गंगा जल ले लेते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। लाइन लगते इस लाइन में हम लोग को 4 घंटा लगना पड़ता है। 4 घंटा लगने के बाद हम आगे निकलते हैं। बाबा को फूल और जल दोनों चढ़ाते हैं उसके बाद निकल जाते हैं गाइस बाहर। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं उसके बाद हम लोग क्राउड देखते हैं, क्राउड देख सकते हैं बहुत जन पूजा करने के लिए। हम लोग सोचते थे कि सावन और भादों में ही भीड़ होता है मगर आप आइंदा भी जाते हैं तो आइंदा भी देवघर में भीड़ होता है गाइस। हर मंदिर में अलग अलग भीड़ होते हैं मगर सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो भोले बाबा का जल चढ़ाने के लिए होता है भीड़, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह माहौल से। तो इसके बाद हम लोग पूजा पूरा देख लेते हैं, अगल बगल देख कर हम निकल जाते हैं आगे की ओर। ये जो देख रहे हैं आप एंट्रेंस बाहर के गेट है, ये बाहर गेट हम निकल जाते हैं, बाहर गेट निकलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग प्रसाद के लिए इधर घूमते हैं तो प्रसाद हम लोग ले लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अब घर से निकल चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ बासुकीनाथ। तो बासुकीनाथ यहाँ से लगभग और होगा 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा। बाबा बैजनाथ धाम का मैंने पूजा कर लिया, अब जाना बासुकीनाथ। बासुकीनाथ भी वहाँ भी पूजा पाठ करूँगा फिर निकल जाऊँगा। तो देवघर में आपको मैं गाइस इतना कुछ दिखा नहीं पाया जाता दिखाना चाह रहा था क्योंकि इतना भीड़ इतना क्राउड में मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रहा था। वैसे क्या ब्लॉगिंग करूँगा पता ही नहीं इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। तो अब यहाँ से डायरेक्ट बासुकीनाथ की ओर चलता हूँ। तो यहाँ से बासुकीनाथ गाइस 40 किलोमीटर दिखा रही है, यहाँ से बासुकीनाथ 40 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा मुझे लग जाएगा यहाँ से बासुकीनाथ जाने में। तो चलते हैं बासुकीनाथ देखते हैं। बाद हम लोग सीधा घुस गए क्योंकि घुसे उस रास्ता को मैं दिखा नहीं पाया कुछ, जितना लाइन लगा हुआ था मैं वहाँ पर कैमरा निकाल ही नहीं पा रहा था। ये एक हाथ में फूल था एक हाथ में जल था तो इसलिए मैंने उसे दिखा नहीं पाया आप, तो उससे लिए सॉरी गाइस। अब देवघर जो भी आते हैं ब्लॉगिंग करने खासकर आते हैं जो पांडा लोगों से आप पैसा देखें अंदर अच्छा से करवा। आज का कुछ गाइस है
हाँ बोल रहा था दसवीं है, तो दसवीं अब क्या का दसवीं है मुझे तो पता नहीं है, इसलिए अब देखते हैं तो कैसे होता क्या होता। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम डायरेक्ट, भाई लेके जा रहा है मामा का दुकान, वहाँ पर कुछ गाड़ी चेंज करेगा, मुश्किल ना चले यहाँ से। तो कैसे सब लोग बासुकीनाथ सोचेगा कि सबको इतना भी छोटे बड़े बोले कि नहीं पहले दबकर पूजा करने के बाद आपको बासुकीनाथ भी पूजा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं दुमका 62 किलोमीटर, बासुकीनाथ है 38 किलोमीटर, रामपुर हाट 125, घोरा मार्ग है 138 किलोमीटर का। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट बासुकीनाथ के रास्ते में है, हम लोग बासुकीनाथ चल रहे हैं। तो पवित्र है अभी अभी जिला जो दुमका जिला है जो उप राजधानी कहलाता है झारखंड का, राजधानी आपका रांची हो गया, उप राजधानी आपका दुमका कहलाता है। तो चलिए आप जा सकते हैं, आप चलते हैं दुमका। आपको दुमका तो पूरा नहीं घुसूंगा, बासुकीनाथ में जब पूजा पाठ करने के बाद हम लोग आगे की ओर तब इधर से रिटर्न होऊंगा फिर दोबारा। चलेगा बने रहे हमारा वीडियो में आप। तो गाइस हम लोग बासुकीनाथ एंटर कर चुके हैं, जैसे देख सकते हैं आप ये बासुकीनाथ प्रवेश द्वार में आपको स्वागत है। तो हम लोग बासुकीनाथ एंटर कर चुके हैं। अभी देवघर हम लोग पूजा करके आने के बाद हम लोग बासुकीनाथ अभी एंटर किए हैं, तो यहाँ भी पूजा पाठ करने के बाद निकलूंगा, फिर देखेंगे लाइन होटल में कुछ खाना पीना खा लूंगा।